गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एबीएन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे, और वैज्ञानिक प्रबंध की जो पद्धतियां हैं, जो तकनीकें हैं, उनके अंदर अपन ने कुछ पद्धतियों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, और दो पद्धतियाँ जो अपनी बाकी रह गई थी वो उसमें जो है विभेदात्मक इकाई पारिश्रमिक प्रणाली, विभेदात्मक इकाई पारिश्रमिक प्रणाली। देखो, एफ डब्ल्यू टेलर जो है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, उन्होंने क्या बताया कि कोई भी व्यवसायिक संस्था क्यों ना हो या कोई भी व्यवसाय क्यों ना हो, उस व्यवसायिक संस्था के अंदर अगर आपको अपने उत्पादन की का जो आपने प्रमाप निर्धारित किया है उसको अगर आपको प्राप्त करना है, या आपने जो उद्देश्य निर्धारित किया उत्पादन से संबंधित उसको अगर आपको प्राप्त करना है, तो आपको व्यवसाय के अंदर विभेदात्मक इकाई पारिश्रमिक प्रणाली को लागू करना चाहिए। विभेदात्मक इकाई पारिश्रमिक प्रणाली का मतलब यह होता है कि एक व्यवसाय के अंदर उत्पादन के आधार पर जो मजदूरी दर होती है उनका निर्धारण करना चाहिए, या मजदूरी दर निर्धारित करनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना उत्पादन करेगा उस दर से उसको क्या करना चाहिए, भुगतान करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे कुशल एवं अकुशल या कम कुशल कर्मचारी की पहचान की जा सकती है, और जो कम कुशल कर्मचारी है उनको कुशल कर्मचारी के योग्य बनाया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि जैसे कोई संस्था है उसके अंदर दो दरें निर्धारित है, मजदूरी की दो दर निर्धारित है। पहली दर दे रखी है 5 रुपीज पर यूनिट। वो 5 रुपीज पर यूनिट कब होगी, जब मिनिमम कितनी यूनिट बनेगी, कोई भी एम्प्लॉई या वर्कर क्या करेगा, 10 यूनिट्स का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा या 10 यूनिट बनाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको, सॉरी 20 यूनिट बनाएगा तो उसको उस कंडीशन में 5 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। और अगर 20 से अगर कम बनाएगा तो उस स्थिति में, या अगर 20 से अगर कम बनाता है तो 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से उसको, या प्रति इकाई के हिसाब से उसको क्या मिलेगा, भुगतान मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति या कोई श्रमिक या कर्मचारी क्या करता है, भाई 20 इकाइयां बनाता है, 20 यूनिट बनाता है, तो उस स्थिति में उसको 5 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। और अगर वह 20 से कम बनाता है, मान लो वो 18 बना रहा है, 19 बना रहा है, 17 बना रहा है, अगर 20 से एक भी कम बनाता है तो उसको क्या किया जाएगा, 4 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। अब मान लो कि एक कर्मचारी या एक श्रमिक जो वो उसने क्या किया, 20 यूनिट बनाई, तो उसको तो अपन कितने रुपए का भुगतान करेंगे, 100 रुपीज का अपन क्या करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे। और एक कर्मचारी जिसने क्या किया, अभी 18 यूनिट बनाई है, मतलब 18 इकाइयों को ही बना पाया वो, ठीक है, तो उसको अपन क्या करेंगे, 4 रुपए के हिसाब से क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, तो उसको 72 रुपए अपन देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही उसने क्या किया, कम इकाइयां बनाई, जैसे एक कर्मचारी है उसने 20 इकाइयां बनाई, और दूसरा कर्मचारी है उसने क्या किया, 18 इकाइयों का क्या किया, निर्माण किया, तो जैसे ही उसने कम बनाई तो उसको मजदूरी भी क्या हुई है, कम मिली है, मजदूरी का भुगतान भी क्या हुआ है, उसको कम दर से मजदूरी का क्या हुआ है, भुगतान हुआ। ऐसी दर निर्धारण करने से क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं, जो कम कुशल कर्मचारी है, वह भी क्या करते हैं, भी पूर्ण क्षमता के साथ क्या करते हैं, अपने उत्पादन का को पूरा करते हैं, और वह भी क्या करते हैं, 20 इकाइयों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि 20 इकाइयां अपन बनाएंगे तो उससे अपने को 5 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से क्या होगा, वस्तु का या फिर मजदूरी का भुगतान होगा। तो वह भी क्या करते हैं, कम से कम 20 इकाई बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं।
और उससे क्या होता है, अपना जो उत्पादन स्तर है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। अपना जो उत्पादन है उस जो भी अपने उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है उस उत्पादन लक्ष्य को अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और संस्था भी क्या कर सकती है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकती है। तो उस स्थिति में क्या है भी कि ये दो दर अलग अलग दर निर्धारण करने से क्या होता है कि जो कम कुशल कर्मचारी है उन कम कुशल कर्मचारियों को भी कुशल कर्मचारी की तरह तैयार किया जा सकता है। वह भी क्या करेंगे, अधिक मेहनत से क्या करेंगे, कार्य करेंगे और अपने उत्पादन लक्ष्य को या संस्था के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो विभेदात्मक इकाई पारिश्रमिक प्रणाली के अंदर एफडब्ल्यू टेलर ने ये कहा है कि व्यावसायिक संस्था में क्या होना चाहिए, अलग अलग प्रकार से मजदूरी दर का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, अगर अलग अलग प्रकार से निर्धारण होगा तो अगर कोई व्यक्ति कम इकाइयों का उत्पादन करता है तो उसको कम दर से भुगतान होगा, और अगर कोई ज्यादा करता है तो उसको ज्यादा दर से भुगतान होगा। तो उससे जो कम करने वाले कर्मचारी हैं, जो कम उत्पादन करते हैं, वह भी क्या करेंगे, अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जितना उत्पादन अधिक करेंगे उससे उसी उसी प्रकार अधिक दर से क्या होगा, उनको भुगतान मिलेगा। ठीक है, तो ये तो होती है विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। दूसरा आता है मानसिक क्रांति। देखो मानसिक क्रांति का मतलब क्या होता है भाई, मानसिक क्रांति का मतलब होता है कि जो अपने प्रबंध वर्ग होता है, मैनेजमेंट जो वर्ग होता है, मैनेजमेंट जो करते हैं उनमें और श्रमिकों में, प्रबंधकीय वर्ग में और श्रमिकों में आपस में क्या होना चाहिए, उनमें एक मानसिक, ठीक है, एक तरह से उनकी जो मन स्थिति होती है, उनकी जो मानसिक स्थिति होती है, उनको अपने को क्या करना चाहिए, उनमें बदलाव करना चाहिए, उनको इस तरह से तैयार करना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति को इस तरह से बदलना चाहिए, ठीक है, ताकि वह क्या करे, एक दूसरे से मिलकर कार्य करें। जो भी प्रबंधीय वर्ग है या जो श्रमिक लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करें, संस्था के उद्देश्य के लिए कार्य करें, न कि एक दूसरे के विपरीत होकर, एक दूसरे से झगड़ा करके, एक दूसरे के अगेंस्ट जाकर अगर वो कोई काम नहीं करे, इस तरह की अगर उनकी स्थिति है, इनकी मानसिक स्थिति है, तो उसमें अपने को क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। उनकी मानसिक स्थिति में क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि तो कर्मचारियों में और जो भी प्रबंधकीय वर्ग होता है या श्रमिक लोग हैं उनमें क्या होता है, एक तरह से मानसिक स्थिति ऐसी बनी रहती है कि ये तो प्रबंधक है, इनके तो हाई, ठीक है, तो उनके आपस में अगर कोई भी उनका इस तरह की उनकी मेंटलिटी बनी हुई है, इनकी मानसिक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि नहीं एक दूसरे के विपरीत कार्य करना है, तो इस स्थिति को आपको क्या करना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति को एक तरह से बदलना चाहिए और उनको इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वो आपस में मिलकर क्या करे, संस्था के एक निर्धारित उद्देश्य के लिए क्या करे, कार्य करे, न कि एक दूसरे के विपरीत जाकर क्या करे, कार्य को पूरा करे। ठीक है, तो इस तरह की सोच या इस तरह की जो उनकी मानसिक स्थिति है उसके अंदर अपने को क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब तक प्रबंधकीय वर्ग और श्रमिकों की अगर मानसिक स्थिति सही नहीं होगी तो संस्था जो है वो अपने निर्धारित लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के अगर विपरीत चलेंगे तो वो एक दूसरे के कार्य को सही तरीके से पूरा नहीं होने देंगे और उससे संस्था का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। और अगर वो आपस में मिलकर कार्य करेंगे, अगर उनकी मानसिक स्थिति एक दूसरे के सहयोग की रहेगी तो वो निश्चित ही क्या करेंगे, संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो यह एफडब्ल्यू टेलर जो है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है, उन्होंने मानसिक क्रांति के अंदर ये बताया कि जो भी प्रबंधकीय वर्ग है और जो भी श्रमिक वर्ग है उनकी मानसिक स्थिति में क्या करना चाहिए, अपने को बदलाव करना चाहिए, उनकी जो सोच है उसमें अपने को परिवर्तन करना चाहिए ताकि वो आपसी सहयोग के द्वारा क्या करे, कार्य करे, न कि एक दूसरे के विपरीत जाकर। ठीक है, तो ये तो क्या थी अपनी वैज्ञानिक प्रबंध की जो पद्धतियां हैं वो यहाँ पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अब जो आगे जो अपना जो टॉपिक आता है वो आता है टेलर और एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल में समानताएं। टेलर
एवं फ्यूल में समानताएं टेलर एंड फ्योल में समानता है। देखो टेलर F.W. टेलर और हेनरी फ्योल में क्या क्या समानता है, उनमें जो सबसे पहली जो समानता है वो क्या है, प्रबंध की समस्याओं का समाधान प्रबंध की है समस्याओं प्रबंध की है समस्याओं का समाधान प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान है। F.W. टेलर और हेनरी फेयोल जो है उन्होंने क्या किया है, प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान के अंदर उन्होंने ये बताया है, क्या बताया कि दोनों ने ही क्या किया है, जो प्रबंधकीय कार्यों में जो समस्याएं आती हैं, ठीक है, एक प्रबंधकीय जो संस्था होती है उसको प्रबंध करने में, उसको मैनेजमेंट करने में किस किस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है, उन समस्याओं का F.W. टेलर ने भी और हेनरी फ्योल ने भी, इन दोनों ने क्या किया है, उन समस्याओं का समाधान बताया है। तो इसलिए एक समानता तो ये हो गई कि इन दोनों ने ही प्रबंध की समस्याओं का के समाधान के बारे में अपने अपने सिद्धांतों या पद्धतियों के बारे में बताया, ठीक है। तो इन दोनों का में जो पहली समानता है वो क्या है कि प्रबंध की समस्याओं का समाधान F.W. टेलर ने भी और हेनरी फ्योल ने भी, इन दोनों ने क्या किया है, प्रबंध की समस्याओं के समाधान के बारे में बताया है कि एक प्रबंध जो होता है उनमें कौन सी समस्याएं आती है और उनका क्या समाधान होता है। तो दोनों ने ही प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान के बारे में बताया, तो पहली समानता तो ये हो गई। दूसरी जो समानता है वो है व्यवहारिक पक्ष पर बल, व्यवहारिक पक्ष पर बल, व्यवहारिक पक्ष पर बल। देखो व्यवहारिक पक्ष पर बल का मतलब क्या होता है भाई, व्यावहारिक पक्ष पर बल का मतलब ये है कि इन दोनों ने जो सिद्धांत बनाए, मतलब हेनरी फ्योल और F.W. टेलर के द्वारा जिन सिद्धांतों का निर्माण किया गया है वो व्यावहारिक रूप से लागू करने लायक है, मतलब उनको एक प्रत्येक प्रबंधकीय संस्था अपने जो वास्तविक रूप से जो व्यवहार किया जाता है उनमें इन सिद्धांतों को इन पद्धतियों को क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये कोई काल्पनिक नहीं है, इनको अपन वास्तव में एक तरह से प्रयोग में लेकर क्या कर सकते हैं, इन सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए बोला है कि ये व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है, मतलब ये इन सिद्धांतों में हेनरी फ्योल ने और F.W. टेलर ने जो सिद्धांत बताए हैं वो एक तरह से व्यवहारिक पक्ष पर क्या करते हैं, बल देते हैं, अर्थात उनको वास्तव में अपन अपने व्यवहार में लेकर उनका क्या कर सकते, प्रयोग कर सकते हैं, वो केवल कल्पना मात्र नहीं है बल्कि वास्तव में अपन उनको एक तरह से प्रयोग करके उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये व्यवहारिक पक्ष पर क्या करता है, बल देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अच्छे औद्योगिक संबंधों पर बल, अच्छे औद्योगिक संबंधों पर बल, अच्छे औद्योगिक संबंधों पर बल। हेनरी फ्योल ने और F.W. टेलर ने, इन दोनों ने किस पर बल दिया है, अच्छे औद्योगिक संबंधों पर क्या किया है, बल दिया है। अच्छे औद्योगिक संबंध मतलब कि जो भी अधिकारी लोग हैं, जो भी कर्मचारी लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, उन आपस में क्या रहे, उनमें आपस में एक अच्छा संबंध बना रहे, मतलब वो अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं चाहे वो प्रबंधकीय वर्ग श्रमिकों से या श्रमिकों के बीच या कर्मचारियों के बीच अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है
तो वह आपसी सहयोग से क्या किया जाए, पूरा किया जाए। और उनके बीच जो संबंध है, उनके बीच जो एक तरह से आपसी सहयोग की भावना क्या होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। तो इस बात पर इन दोनों ने क्या किया है, बल दिया है कि अच्छे औद्योगिक संबंधों पर इन्होंने क्या किया है, बल दिया है। हेनरी फ्योन ने भी और F.W. टेलर, इन दोनों ने अच्छे औद्योगिक संबंधों के निर्माण पर क्या किया है, बल दिया है कि किस प्रकार कि दोनों में, श्रमिकों में भी और कर्मचारियों में, दोनों में आपस में क्या होने चाहिए, अच्छे एवं मधुर संबंध होने चाहिए। दोनों एक साथ मिलकर क्या करें, कार्य करें, ठीक है, उनमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो, ठीक है। तो अच्छे औद्योगिक संबंधों पर भी इन दोनों ने क्या किया है, बल दिया है। तो यह भी क्या है, इन दोनों की एक समानता है। तो ये क्या थी, रिफ्योल और F.W. टेलर के बीच क्या थी, समानताएं थी भी। अब F.W. टेलर और हेनरी फ्योल में असमानताएं देखते हैं भी। ये तो अपन ने देखा समानताएं, अब अपन देखेंगे असमानताएं। देखो असमानताएं क्या होती है भाई, F.W. टेलर में और हेनरी फ्योल में क्या असमानताएं है वो आप देखिए। F.W. टेलर में और हेनरी फ्योल में जो असमानता है वो आप देखिएगा, ये तो हो गया अपना अंतर का आधार। अंतर का आधार इसमें आ गया अपने F.W. टेलर और ये फेओल, हेनरी फेओल, ठीक है। अंतर के आधार का जो पहला जो अंतर है वो है संदर्भ का, इनका किस चीज से संदर्भ है। देखो हेनरी फ्योल जो F.W. टेलर है, उन्होंने उत्पादन क्रियाओं से संबंधित है, इनका जो संदर्भ है वो उत्पादन क्रियाओं से, उत्पादन क्रियाओं से संबंधित है। F.W. टेलर का जो संदर्भ है वो है उत्पादन क्रियाओं से संबंधित है और हेनरी फ्योल का उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित है, उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित, ठीक है। तो संदर्भ दिया है इन्होंने उत्पादन क्रियाओं से संबंधित, और ये उच्च स्तर जो होता है, टॉप लेवल है, ठीक है, तीन स्तर होते हैं एक संस्था में, उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर। इन्होंने उच्च स्तर के संदर्भ में इन्होंने, ठीक है, बताया। दूसरा जो अंतर आता है वो आता है आदेश की एकता, आदेश की एकता, आदेश की एकता। देखो टेलर जो है उन्होंने क्या किया, आदेश की एकता का उल्लंघन किया है। टेलर ने तो क्या किया है, आदेश की एकता का उल्लंघन किया। जो F.W. टेलर है उन्होंने तो क्या किया, आदेश की एकता का उल्लंघन किया है, और हेनरी फ्योल जो है उन्होंने क्या किया, इसको सख्ती से लागू किया है, सख्ती से लागू किया। आदेश की एकता का जो सिद्धांत होता है, जिसमें आपने पढ़ा था कि आदेश की एकता का सिद्धांत क्या होता है भाई, कि एक व्यक्ति को एक समय में, एक या एक कर्मचारी को एक समय में एक अधिकारी से क्या होना चाहिए, आदेश मिलना चाहिए। एक से अधिक अधिकारी से अगर आदेश मिलेंगे तो वह किसी भी कार्य को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएगा या सही समय से पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक
ठीक है, तो उस सिद्धांत के ऊपर क्या किया है अभी एफ डब्ल्यू टेलर ने, तो आदेश की एकता के सिद्धांत का क्या किया, उल्लंघन किया है, और हेनरी फ्योर ने क्या किया है, उसको सख्ती से लागू किया है। अगला जो अंतर आता है वो आता है लागू होना, लागू होना। देखो लागू होना क्या है अभी, एफ डब्ल्यू टेलर के जो सिद्धांत है वो क्या होते हैं, केवल और केवल विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं, विशेष परिस्थितियों। एफ डब्ल्यू टेलर के जो सिद्धांत और पद्धतियां हैं वो केवल और केवल विशेष परिस्थितियों में क्या होते हैं, लागू होते हैं, जबकि हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक रूप से क्या होते हैं, लागू होते हैं, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक रूप से लागू, मतलब उनको सभी जगह सभी स्थिति में क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। अगला जो अंतर आता है वो आता है रचना का आधार, रचना का आधार। देखो इनका जो रचना, इनको जो बनाया गया है वो उसका आधार क्या है भी, ये एक तरह से अवलोकन है, प्रयोग द्वारा इनको अवलोकन, अवलोकन एवं प्रयोग के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधों के सिद्धांतों को तैयार किया गया है। अवलोकन एवं प्रयोग के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों या एफ डब्ल्यू टेलर के सिद्धांतों को बनाया गया है, और हेनरी फेल के जो सिद्धांत है उनको व्यक्तिगत अनुभवों को सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मतलब व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर, व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर क्या किया गया है, इनकी रचना की गई है। ठीक है, हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत है उनकी रचना व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर हुई है, और एफ डब्ल्यू टेलर के जो वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत है वो अवलोकन है, प्रयोग के द्वारा इन वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को क्या किया गया है, तैयार किया गया है, इनकी रचना की गई है। अगला जो अंतर आता है, अंतर का आधार है वो है अपना ध्यान का केंद्र, ध्यान का केंद्र। ध्यान का केंद्र क्या है भी, इनमें ध्यान का केंद्र है, टेलर ने जो अपना ध्यान का केंद्र रखा है वो कार्य के सरलीकरण, कार्य को किस तरह से सरल बनाया जाए, कार्य के सरलीकरण, कौमा समय व गति अध्ययन, समय व गति अध्ययन को केंद्र माना है। मतलब इन्होंने महत्वपूर्ण ध्यान किस पर दिया है, कार्य को किस तरह से सरल बनाया जाए, और कार्य की गति को और निर्धारित समय में किस तरह से कार्य को पूरा किया जाए, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने अपना ध्यान क्या किया है, केंद्रित किया है। मेन जो फोकस रखा है वो इस पे रखा है कि कार्य को किस तरह से इजी बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है, और उसको सही समय पर और सही गति से किस तरह से पूरा किया जाए, इसके ऊपर इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बिंदु रखा है, पूरा ध्यान रखा है। फेओल जो है, फेओल का जो केंद्र बिंदु है वो है संपूर्ण प्रशासन में सुधार, संपूर्ण प्रशासन में सुधार, मतलब वैज्ञानिक प्रबंधों का प्रयोग करते हुए क्या करना भाई, सॉरी हेनरी फ्योल के जो सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए क्या करना, संपूर्ण प्रशासन जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं उन सब में क्या करना, सुधार करना। ठीक है,
किसी भी प्रकार के प्रशासनिक कार्य क्यों ना हो, उन सब में क्या करना, एक तरह से वैज्ञानिक प्रबंध सॉरी प्रबंधकीय सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में या प्रशासन में क्या करना, सुधार करना, ये इसका क्या है भी एक केंद्र बिंदु है। ठीक है, मुख्य ध्यान इन्होंने प्रशासनिक कार्यों में सुधार करने पर दिया है। किसने? हेनरी फेओल ने। अगला जो इनका अंतर का आधार है वो है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व देखो, हेनरी टेलर जो है उनका जो व्यक्तित्व वो है वैज्ञानिक, उनकी जो पर्सनालिटी है वो एक तरह से वैज्ञानिक है, और हेनरी फ्योल की है वो है पेशेवर प्रोफेशनल। ठीक है, इनकी व्यक्तित्व, इनकी जो पर्सनालिटी, जो पहचान है वो इनकी है वैज्ञानिक के आधार पे, उनकी है पेशेवर के आधार पे। और लास्ट का जो अंतर है वो है वर्णन। इन्होंने वर्णन किया है वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में, वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। और हेनरी फ्योल ने प्रशासन की सामान्य विचारधारा के बारे में क्या किया है, प्रशासन की सामान्य विचारधारा के बारे में वर्णन किया है। विचारधारा, प्रशासन की सामान्य विचारधारा के बारे में इन्होंने क्या किया, अपना वर्णन किया है। तो ये क्या थे अपने कुछ अपने को अंतर दे रखे थे F.W. टेलर और हेनरी फ्योल के अंदर, कुछ अंतर इन्होंने बताए हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन कल पढ़ेंगे।